नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 27 मार्च 2024, और यहां पे 28 मार्च 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का आंसर लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर फीडबैक करिए, और कुछ सुझाव हो तो जरूर बताइए। टेलीग्राम चैनल पर भी मैं अवेलेबल हूँ, और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप भी है, आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी सेवाएं मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई भी चार्जेस नहीं होता। अगर मेरे नाम पे कोई आपसे पैसा मांगता है तो आप बिल्कुल उसके खिलाफ कंप्लेन करिए और शिकायत दर्ज करिए। चलिए, और चलिए सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं 28 मार्च के लिए। अब नया वीक शुरू हो गया, नया मंथ शुरू हो गया, और कल है मार्केट होने के बाद परसों मार्केट बंद हो जाएगा, यानी कि फ्राइडे को छुट्टी है। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं, यानी कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस सप्ताह का। तो देखिए, बैंक निफ्टी को अगर देखें तो आज का हाई जो है 46,954, लास्ट में भी वही हाई, यानी कि आप कह सकते हैं कि 47,000 को तो ये तोड़ ही नहीं पा रहा है। कल भी मैंने यही बात कहा था आप लोगों से कि 47,000 तो फिलहाल ये नहीं तोड़ पा रहा है, इसको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो हम 3 दिनों से क्या हाई देख रहे हैं, 47,000। चलिए एक लाइन लगा लेते हैं, ये लाइन लग गए, ठीक है, 47,000 या 950 के आसपास भी आप पकड़ के चल सकते हैं, यही सब है। और क्लोजिंग हम 46,785 पर गए, वहां से 200 पॉइंट नीचे आ गए। ओके, एक बढ़िया सपोर्ट कहाँ है, 46,500, उसके नीचे जाने पे गिरावट बनेगा। अब ये रेंज बन गया, ऊपर 47,000, नीचे 46,500, 500 का रेंज बन गया। अब 500 के रेंज में कहाँ कहाँ पर ट्रेड बनेगा ये देखिए, और ये आ गया 15 मिनट का चार्ट पर, शिफ्ट कर गए, और चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पे। तो सबसे पहले तो भाई बाइंग कर रहे हैं, देखिए 46,785 पर हम क्लोज कर रहे हैं, यानी कि हम 46,800 पर क्लोज कर गए, है ना, 46,800 पे क्लोज कर रहे हैं, लेकिन जो एंट्री बनता है वो बन रहा है 47,000 के ऊपर। सोचिए 250 पॉइंट कौन वेट करेगा, कोई नहीं करना चाहता है भाई वेट, ये दिक्कत है, लेकिन लेवल ही वहीं बनता है, क्या बताया जाए, बताइए। लेकिन चलिए इसी हिसाब से जब देखते हैं कि कहाँ पर आपको एक मूवमेंट बन सकता है। अगर अगर रिस्की ट्रेडर हैं तो 46,900 के ऊपर भी एक एंट्री बन सकता है, पहली बात, ठीक है, इसके ऊपर भी, उससे भी ज्यादा अगर रिस्क लेना है तो 46,800 के ऊपर भी। लेकिन मेरा मानना है कि जब ये 47,000 के ऊपर निकल जाए, इस एरिया के ऊपर निकल जाए, तब एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां से बनता है 47,000 के ऊपर, क्योंकि 3 दिनों से उसी का हाई लगा रहा है। तो 47,000 के ऊपर निकलने पर अच्छी बाइंग। अब रिस्क लिया है मान लीजिए 46,800 पे, तो क्या करेंगे, पहला टारगेट आप दोनों के लिए यही हो सकता है 47,000, और 47,000 के ऊपर निकल जाएगा तब जो टारगेट वन बनेगा आपका यहाँ पर 47,100 और 47,200। अब देखिए फिर से ये 200 का लेवल आ गया, 47,200, आपको पता है ना, अब पिछले दफा भी मैंने बताया था कि 47,200 का जो लेवल है ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। क्या बना हुआ है, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बना है। दिन के 2:30 बजे के बाद मुझे, है ना, 2:30 PM के बाद ये मुझे चाहिए 47,200 के ऊपर, तब आप 47,500 तक का लेवल देख सकते हैं। आफ्टर दैट, उसके पहले ये रेजिस्टेंस बना रहेगा, बात समझ में आ रही है। तो आप इसको सेफ्टी पर्पज, माने एजुकेशनल पर्पज भी रख सकते हैं, 47,200 के ऊपर 2:30 बजे के बाद अगर सस्टेन करना लग गया तो आपको एक अच्छा मूवमेंट बना के देगा। कॉल ऑप्शन पे आपको नजर रखना चाहिए, 46,900 से लेके 47,000 का एक कॉल ऑप्शन पे आपको नजर जमा के रखना चाहिए। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब अगर ये नीचे आ जाता है, चलिए अब दूसरा चीज लेते हैं कि अगर ये नीचे आ गया तो ये एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे नजदीकी सपोर्ट है पहला, ये एरिया आपका आ गया 46,670 या 650 पकड़ लीजिए, है ना। पहला सेल जोन जो बनेगा वो 46,700 के नीचे बनेगा, ठीक है, दूसरा जो सेल जोन बनेगा वो 46,650 के नीचे बनेगा, और उसके बाद ये टारगेट आपको बनेगा 46,500 पर। कहां बनेगा टारगेट, 46,500। देखिए 46,500 से एक बार, उसके आसपास से दो बार, तीन बार ये बाउंस कर गया, ठीक है, तो हो सकता है यहां से ये सपोर्ट ले ले, बाउंस लेके, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये बाउंस ले सकता है, ध्यान से समझते जाइए, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बाउंस ले सकता है। तो एक बार पहले जैसे यहां पर आवे तो प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर ये यहां पर आने के बाद फिर से नीचे की तरफ डाउनफॉल करता है तब आप यहां पर से फिर एक री एंट्री बन जाएगा। अब ये जो भी लेवल बता रहा हूं एजुकेशनल है,
मैं अपना रिसर्च बता रहा हूँ, एनालिसिस बता रहा हूँ। अगर आपको पोजीशन बनाना है तो कृपया आप अपना रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करें, तभी ट्रेड करें। इन लेवल्स पर अगर आप ट्रेड करते हैं मेरे लेवल्स पर, तो आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। री एंट्री बन जाएगी इसके नीचे अगर ये दोबारा से आता है, तो तब जो टारगेट बनेगा आपको 46,400 से लेके 46,300 और 46,200 से लेके फिर 46,000 के आसपास या 46,100 के आसपास में भी आ सकता है। क्लियर हो गया। अब यहां से आपको पुट ऑप्शन पे नजर रखना चाहिए, है ना, क्या करना है, पुट ऑप्शन पे नजर रखना चाहिए। तो 46,500 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन सेकेंड टाइम में लिया जाएगा। पहला टाइम में जो इस कंडीशन में वो 46,700 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। क्लियर हो गया। इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब मान लेते हैं कि ये गैप अप खुल जाता है, अभी हम लोग ऑप्शन डेटा भी देखेंगे, गैप अप खुल जाता है मान लेते हैं। अभी भी इसके लिए हेवी रेजिस्टेंस यही है 47,200। इसके नजदीक खुलने के आसपास में 47,200 47,100, तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है वो सेल का सिनेरियो बनता है। क्या बनेगा? फर्स्ट अटेम्प्ट सेल सिनेरियो बनेगा। सेल सिनेरियो अगर इसके आसपास 47,200 250 300 के आसपास खुलता है तो सेल का सिनेरियो बनेगा। टारगेट नीचे के साइड में 47,000 से लेके 46,800 का फिर टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ आपको नजर रखना चाहिए, तो पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आपको 47,100 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं 47,100 का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप डाउन हो गया, नीचे खुल गया, ठीक है, नीचे 46,300 और 46,200, इसके बारे में मैंने कल भी बताया था, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। इसके पास में आता है तो जरूर यहाँ से आपको बाइंग करना चाहिए। पहला सपोर्ट एरिया आप जैसा कि देख रहे हैं बार बार ये 46,500 से बाउंस रहते, तो पहला सपोर्ट एरिया ये यही है, ठीक है। लेकिन उससे अच्छा है कि 150-200 पॉइंट हो पाएगी, वो रिस्क तो यहाँ से भी बाय कर लिया जाता है, लेकिन अच्छी बाइंग आएगी 46,200 से 300 के आसपास में। अगर यहाँ पर खुल जाए तब आपको बाय साइड का एक पोजीशन बनेगा, टारगेट 46,500 और 46,700 तक के फिर टारगेट देखने को मिल सकता है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप नजर रख के चल सकते हैं, कॉल ऑप्शन, और वो कॉल ऑप्शन रहेगा आपका 46,400 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का सिनेरियो बन रहा है। अभी देखिए हम लोग इसका ऑप्शन डेटा भी देखेंगे, चलते हैं ऑप्शन डेटा पे। और अब ये 27 मार्च आज एक्सपायरी खत्म हुआ, तो हम लोग 3 अप्रैल की तरफ चले जाएंगे ना। 3 अप्रैल में हम क्या देख रहे हैं कि हम 46,800 के पास में एट द मनी बैठे हुए, तो चलिए इसके पास में भी हम ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस ढूंढते हैं कि कहाँ है। पुट मतलब सपोर्ट, कॉल मतलब रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिए 47,200, पहले आप देखिए, मैं आप अपना इमेज हटा देता हूँ इधर, या 47,200 पे देखिए क्या हिसाब, जो कि इसका मेन हर्डल बना हुआ है। यहाँ पे लगभग 1,10,000 पुट राइटर है और कॉल राइटर उससे डबल है, इसका मतलब रेजिस्टेंस वैलिड हो गया। अगर हम नजदीकी रेजिस्टेंस 47,000 पे देखते हैं तो यहाँ 8.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर देखते हैं तो 12.5 मतलब 13 लाख के आसपास में, तो ये भी रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर ये 2:30 बजे के बाद 47,000 के ऊपर टिक जाता है तो ये 47,200 को लेकर चला जाएगा, और 200 को अगर 47,250 बजे के ऊपर टिका हुआ रह जाता है तो ये 300 से 400 के आसपास लेके भाग जाएगा, शॉर्ट कवरिंग होने लग जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं नीचे की तरफ में सपोर्ट कहाँ है। देखिए नीचे की तरफ में अभी मैंने क्या कहा, 46,200 से ये 300 का एरिया, यहाँ पे अगर देखिए 2,27,000 पुट राइटर है 46,300 पे, कॉल 1,30,000 है, डबल का मुकाबला लगभग उधर है, और इधर 2 लाख है हमारा पुट राइटर 46,200 पे, इसमें मात्र 88,000 ही है हमारा कॉल राइटर। इसका मतलब यहाँ पे ये सपोर्ट बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। क्लियर हो गया। अब 46,500 जहाँ के आसपास से बार बार बाउंस कर रहा है, यहाँ पे देखिए लगभग 7.5 लाख हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 7.5 लाख है, तो मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो ये भी है 46,500, तो रिस्क तो बाय साइड में वहां पे भी लिया जा सकता है ना। तो ये बन रहा है आपका डेटा और चार्ट पर सिनेरियो बैंक निफ्टी का। अब चलते हैं जरा हम लोग निफ्टी के साइड में कि निफ्टी क्या कर रहा है, और ये आ गया निफ्टी, और निफ्टी का डेली का चार्ट लगा दिया। चलिए अब देखिए निफ्टी में भी क्या कर रहा है। कल को जो 22 तारीख का हाई था 22,180, आज का भी हाई देखते हैं तो लगभग 22,193 के आसपास में गया, यानी कि उसी के हाई के आसपास में गया। और ये जो है 14 मार्च का इसका हाई था 22,200, तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं तो एक राउंड नंबर आपकी नजर में आ रहा है 22,200 का, जिसको कि ये ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है ना।
तो 22,200 अभी तो इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया। नीचे 21,800 850 वो बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, 21,800 और 21,850। पहली बात ये एक सपोर्ट हो गया, इसको नजर पे रखें, और ऊपर की तरफ में 22,000 वाला जो है वो एक रेजिस्टेंस हो गया, सॉरी 22,200 वाला, 22,200 वाला जो है वो रेजिस्टेंस हो गया, बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये आपको एक सिनेरियो समझ में आ गया कि डेढ़ लगभग 200 पॉइंट उधर और इधर 150 पॉइंट, तो लगभग 350 पॉइंट के रेंज में निफ्टी फंसा हुआ है। अब इसी के अंदर हमें लेवल ढूंढने, चलिए इस लेवल के अंदर में हमें सब चीज ढूंढना। अब आपको क्या करना, ये जो कल का रेजिस्टेंस एरिया था इसी एरिया के ऊपर मैंने बाइंग आज के लिए बोला था, तो ये बहुत अच्छा से ऊपर गया, अभी होल्ड किया। अब ये एरिया इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया जिसका भाव आ रहा है 22,050, ठीक है। ये एरिया बेसिकली ये सारे जोन अब इसके सपोर्ट बन गया, तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से इसको नोट करता हूँ, 22,050 से लेके 22,075 जो है इसका भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन गया, यानी यहाँ से ये टकरा के ऊपर जा सकता है। ओके, अब ये कंडीशन यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। 22,125 के आसपास में क्लोजिंग है। अगर हमें सेल करने का इरादा है मान लीजिए, तो पहला आपको सेलिंग का जो जोन बनता है ना, पहला जो सेल का जोन बनता है वो 22,075 के नीचे जो कि सपोर्ट एरिया है, और जो 22,050 है इसके नीचे बनेगा, ठीक। ये पहला सपोर्ट एरिया टूटने के बाद आपको सेलिंग का सामना करना पड़ सकता है, सेलिंग का सामना करना पड़ सकता है, और टारगेट इस कंडीशन में पहला 22,000 और उसके ये एरिया उसके जो कल का लो है यहाँ पर दो दिनों का उसको आएगा, जिसका भाव आता है 21,950 से 21,900। देखिए 21,900 भी जो है ना, ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, यहाँ से भी बाउंस हुआ है, यहाँ इतिहास बता रहा है कि यहाँ से भी बाउंस हो गया, यहाँ से ऊपर भाग गया, ठीक। इसलिए इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इन केस गया तो 50 पॉइंट और पकड़ लीजिए 21,850, इसके नीचे फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ से ये रिवर्स हो जाएगा। पुट ऑप्शन पे अगर आप, अभी हम लोग ऑप्शन डेटा भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, पुट ऑप्शन पे आपको नजर रखना चाहिए इस कंडीशन से, सेल साइड में 22,050 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब यहाँ से रिवर्ट हो गया, मान लेते हैं ये यहाँ नीचे नहीं आके यहीं से घूम गया ऊपर, घूमेगा तो देखिए ऊपर तो ये हमारा रेजिस्टेंस अभी भी है वैलिड, 22,125-30 के आसपास में क्लोजिंग चल रहा है, और ऊपर बाइंग आ रहा है 22,200 के ऊपर, तो मेरा यही मानना है कि थोड़ा सा सेफ रहिए। अगर बाय करने का इरादा ही है तो हम 22,200 के ऊपर निकलने के बाद ही एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और इस कंडीशन से टारगेट आपको 22,250 से लेके 22,300 और बहुत अच्छा रहा तो 22,350 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। देखिए 22,400 और 22,500 ये दो ऐसे एरिया हैं जहां पे ये हेवी रेजिस्टेंस बनेगा, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, इसलिए आप 350 के आसपास पहुंचते पहुंचते प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। थोड़ा सा आप 400 को रखना चाहते हैं एजुकेशनल पर्पज तो रख सकते हैं, अदरवाइज ये मुझे लगता है 350-400 के बीच में जाते जाते ही वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। तो चूंकि पहले साइड में बाय किया हुआ है तो कॉल ऑप्शन पे आपको नजर रखना चाहिए, तो कॉल ऑप्शन आप यहाँ से किस स्ट्राइक प्राइस का लेंगे तो 22,200 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका भी गैप अप और गैप डाउन सिचुएशन, सेल भी बता दिया, बाय भी बता दिया, अब इसका गैप अप और गैप डाउन सिचुएशन देखिए ऊपर कितना हेवी है, ये 22,500 है ना, गिर जाता है वहां से, है ना, उसके पहले भी अगर आप देखें तो 22,450 है, ये सारे रेजिस्टेंस है, तो ये इस वजह से आपको यहाँ से अभी थोड़ा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। अब मान लेते हैं ये 150-200 पॉइंट गैप अप खुल गया तो कहाँ पे खुल सकता है, ये खुलेगा 22,300 पर, अगर ये गैप अप खुलता है तो इस हिसाब से ये 22,300 के आसपास में खुलेगा, या 22,350 के आसपास में खुलेगा, या 22,250 के आसपास खुलेगा। ये तीनों ही एरिया फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल है, देखिए यही तीनों एरिया के ऊपर अगर ये 2:30 बजे के बाद तक टिक गया ना, तब तो फिर ये 22,250 के बाद 300-350 सब फोड़ देगा, अगर 2:30 बजे के बाद टिक गया तो। लेकिन पहला अटेम्प्ट में अगर ये गैप अप खुल जाता है इस ये सब एरिया पे, तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का सामना करना पड़ सकता है सेल साइड में, 22,200 से लेके फिर 22,100 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, और आपको पुट ऑप्शन इस हिसाब से नजर रखना चाहिए, तो 22,250 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके आपको चलना चाहिए।
इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर यही पे गैप डाउन हो गया, नीचे खुल गया, तो अभी ये मैंने बताया आपको कि 21,920 का एक अच्छा सपोर्ट एरिया है ना, और 21,850 तो जबरदस्त सपोर्ट। इन दोनों में से किसी जगह पे खुल जाए तो बिल्कुल गैप डाउन में बाय करेंगे और ऊपर टारगेट बनेगा 21,950 से 22,075 लिख सकते हैं, या 22,100 तक भी, 125 तक भी आ सकता है वापस। कॉल ऑप्शन पे भी आपको नजर रखना चाहिए इस कंडीशन से, तो 21,900 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप ध्यान रख सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब इसका भी ऑप्शन डेटा समझते हैं हम लोग, ठीक है। ऑप्शन डेटा पे आ गया, जरा क्या बता रहा है ऑप्शन डेटा। क्लोजिंग कर रहे हैं हम लोग 22,150 के पास एकदम मनी है। तो आप नीचे देखिए, मैंने जैसा कि कहा था अभी आपको कि 21,900 भी इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कल इसका एक्सपायरी है 28 मार्च का, है ना, इस बात का ध्यान रखना है। अब ये देखिए यहाँ पर हमारा लगभग लगभग 21,900 पे 94 लाख, यानी 95 लाख हमारा पुट राइटर बैठा हुआ है, और कॉल राइटर देखते तो 9.5 लाख, तो जबरदस्त सपोर्ट है, तो इसके नीचे तो नहीं जाएगा, एक बात तो ये हो गया। इसी तरह 21,950 पर देखते हैं तो 49 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 5 लाख, तो ये दोनों ही एरिया पहले ही सपोर्ट है। जो अभी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर रहा है, 22,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो इसका अंदर ये 22,000 ही सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए लगभग 1.5 करोड़ पुट राइटर है, 1.5 करोड़, और यहाँ पे कॉल राइटर 47 लाख लगभग, उसके मुकाबले कुछ भी नहीं, तो ये ही इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर 2:30 बजे के बाद इसके नीचे चला जाएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला, लेकिन उसके पहले तक नहीं, सपोर्ट बना के बार बार ऊपर फेंकता रहेगा, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं और थोड़ा ऊपर की साइड में देखिए, ये एरिया हमें नीचे सपोर्ट मिली है, अब ऊपर की तरफ में देखिए ये 350, 300 और ये 250, ये तीनों एरिया देखिए, हमारा 9,67,250 पर पुट राइटर, कॉल राइटर 41 लाख, जबरदस्त रजिस्टर। 300 पे देखिए 21 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 67 लाख, जबरदस्त। 22,350 देखिए 2.25 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 58 लाख, जबरदस्त। तो आप समझिए कि ये तीनों ही रेजिस्टेंस है सेल ऑन राइज, लेकिन 2:30 बजे के बाद इसके ऊपर टिकने के बाद ये सारे कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे, शॉर्ट कवरिंग करेगा तो ऊपर लेकर भाग जाएगा, लेकिन उसके पहले तक ये रेजिस्टेंस का काम करता रहेगा। तो ये है आपके लिए दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल 28 तारीख के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करके मुझे बताएं, कमेंट करें, और मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।